बड़ी बड़ी बेनती की किरतम नाम आख्या जाता है। बड़ी बड़ी समाज में गलत फहमियां पैदा कीतियां जांदियां ने भी राम शब्द दशरथ के पुत्र लिए आया है या अल्लाह शब्द किसी मुस्लिम इस्लाम धर्म के पढ़ने वाले जेडे मनन वाले ने उन्होंने रब लिए आया है। गुरु नानक पातशाह जी ने जिन्हें शब्द बाणी के अंदर वरते ने इन्हों परमात्मा की किरतम नाम आखिया है, भाव ये वो शब्द ने जिन्हां विचों रब के गुण प्रगट होंदे ने, उन्हां गुणां नूं असीं आधार बना के जीना होंदा है। धर्म की है? धर्म वो रब्बी गुण ने जिहड़े गुण साढ़े जीवन का आधार बन जाण। साध संगत कोई भी चीज़ है, मान लो किसी इंसान ने अपने जीवन के विच बुरा बनना है तो उन्हूं बुरे कर्म धारण करने पैणगे। एक इंसान कोई भी कर्म करन दे पहलों गुर सिखदा है भी इस कर्म नूं किवें कीता जाए। जिहड़े संसार ते वड्डे वड्डे ठग लोग ने किसे दे अखां दे विच घटा पा के अपनियां गल्लां दे विच उन्हां नूं भरमा के ते उन्हां नूं अपने वस विच करके उन्हां दी पूंजी नूं माया नूं अपने बनाउण वाले बड़े ने संसार विच। उन्हां ने उहो जिहा गुर सिखिया होया है, उन्हां लई उही उन्हां दा धर्म है। किसी भी कर्म दे गुर नूं सिखणा ही धर्म है। जे तुसी चंगे पासे लग जांदे हो ते तुसी सच्चे धर्मी हो, जे तुसी माड़े पासे लग जांदे हो ते ख्याल करियो फिर तुसी औगणा दी पंड पल्ले बन के लै जांदे हो। इह चूज़ बंदे ने आप करना है। मैनू तुहानूं रब नूं सारिआं ने अकल दित्ती है, मत दित्ती है। भाई साहब भाई गुरदास जी दा इक बड़ा प्यारा बचन है। भाई साहब भाई गुरदास जी कहते ने कोई बंदा पशु लैके जा रहा सी रस्ते विच, जेडे चरवाहे होंदे ने ना उन्हां कोल पशुआं दे वग होंदे ने, वग कहते ने जिथे एक तो ज़्यादा पशु हो। वो पशुआं दा वग लैके जा रहा सी ते रस्ते चों जांदिआं होइआं वो पशु जेडे सन कदी किसी के खेतों वल मूँह मारन लग जान, कदी किसी के खेतों वल मूँह मारन लग जान। तो कोई बंदा कोलों लंघदा सी उह कहिंदा सी तैनूं अकल नहीं, तेरे पशु इधर उधर मूँह मारदे पए ने। वो बंदा बड़ा सियाना सी कहिंदा मैनू तो अकल है पर मेरे पशुआं नूं अकल नहीं, मैनू तो पता है भी ये खेत मेरे नहीं पर मैं की करा, मेरे पशुआं नूं नहीं पता। मैं उन्हां नूं एक पासे मोड़ना दूजे पासे चले जांदे ने, दूजे पासे मोड़ना तो दूजे पासे निकल जांदे ने। मैनू तो समझ है पर पशु नूं समझ नहीं। तो भाई साहब भाई गुरदास कहिंदे ने बस यही अंतर है तेरे अंदर ते पशु दे अंदर। पशुआ मनुख देह अंतर, अंतर यह है। शब्द सुरत को विवेक अभिवेक है। पशु ते मनुख दे अंदर अंतर की है? पशु दे कोलो विवेक बुद्ध नहीं हैगी पर बंदे कोलो विवेक बुद्ध है। पशु ने हरा खेत वेख्या तो उन्हें मूँह मारना ही मारना, उन्होंने नहीं पता है मेरा मेरे मालक दा कि किसी होर दा। पर बंदे नूं पता है भी आ जिहड़ी पूंजी मैं वरत रहा, जिहड़े काम मैं कर रहा, यह चंगे ने कि माड़े ने। बंदा शाम होवे ते अपने घर ही परत के आंदा ना, कदी किसी दूजे के घर ते नहीं जांदा ना, क्योंकि उन्हें पता है भी यह घर मेरा है। असी जिन्ने मर्जी लंबे सफर ते चले जाइए पर शाम हुंदी असी अपने घर वल दौड़ने, क्योंकि साड़ी तांग है, सानू पता है घर साड़ा है। पर पशु नूं तुसीं आखो भी ये खेत तेरे मालक दा नहीं, उन्हूं इस नाल कोई मतलब नहीं। उन्हूं मतलब है सामने दिसण वाला हरा चारा, उन्हें उधर मूँह मारना है भावें खेत किसी का भी होवे। भाई साहब भाई गुरदास कहिंदे ने शब्द सुरत को विवेक अभिवेक है। पशु हरियायो कहो सुनियो अण सुनियो करे। पशु नूं आखो भी हरिया खेत है ना वेख, ये तेरा मालक दा नहीं, ये किसी होर दा है। पशु नूं कोई मतलब नहीं। पर भाई साहब भाई गुरदास जी कहिंदे ने बंदे कोलो समझ है। हुण जिहड़ा समझ नहीं वरतदा उहनूं सतगुरु ने बाणी दे अंदर फिर आखिया करतूत पशु की मानस जात। इह सतगुरु ने एवें शब्द नहीं वरते बाणी दे अंदर, इन्हां शब्दां दा कोई बड़ा गहन मतलब है। पातशाह कहिंदे ने तेरे कर्म जिहड़े ने उह पशुआं वाले ने, क्यों? क्योंकि पशु नूं कह दी वह भी नहीं सुनता, तो तू भी नहीं सुन रहा चंगा की है तो माड़ा की है। तू धार्मिक द्वारे ते खड़ा होया भी एक दूजे दियां पग्गां लाई जाना, तेनू भी नहीं पता, तू भी तो पशु है ना। मत कहो ऐसे लोगों, ये बड़े वड्डे
कोई धर्म की धर्म का मन विच दर्द रखने वाले लोग ने नहीं, वो बंदे अपने मतलब लिए लड़ते ने। जेड़े इलैक्शन गुरद्वरे के लड़ते हो ते लड़दिया हुए शराबा संगतों के लोगों के जाके वंडन, तुसी की समझते हो बंदे धर्मी ने? नहीं, वो बंदे धर्मी नहीं हैं, वो राजनीतिक लोग ने। उन्होंने राजनीति दियां रोटियां सिकनिया ने, उन्होंने मतलब यह है अज गुरद्वरे की प्रधानगी मिली है, कल नूं गुरद्वरे तो उपर उठ के हो सकता है मैनू किसी थां दी होर टिकट मिल जाए। धन गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी कहिंदे ने, वो लोग नहीं, वो ते करतूत पशु की मानस जात रे। इस करके बाबा फरीद साहब जी अज कहिंदे ने, साई मुझे ना दे, हे मेरे मालक जी, मैनू किसी होर दे दर ते बैठना पवे, मैनू किसी होर दे बूहे दे अगे जाना पवे, मेरे मालक जी ऐसा समां मेरी जिंदगी विच ना आवे। इन्हां मतलब की हो? बाबा फरीद साहब कहिंदे ने, सतगुरु जी मैं तेरे दर दा जाचक हाँ। देखो बाणी दे अंदर सतगुरु ने बड़े ऐसे शब्द वरते ने जिथे परमात्मा दे चरणां विचों जाचक हो के मंगिया। आप हुणे आरती पढ़ के गए हो ते बाबा कबीर साहब जी दे शब्द आपने पढ़े ने, भूखे भगत ना कीजै यह माला अपनी लीजै। बाबा कबीर साहब कहिंदे ने, हे मेरे रब जी, जे तुसी मैनू ये आखो भी कबीर तू भुखे रह के बंदगी कर लै, ते बाबा कबीर साहब कहिंदे ने, रब जी मैं भुखे रह के बंदगी नहीं कर सकता, भुखे भगत ना कीजै यह माला अपनी लीजै। सतगुरु जे तुसी ये कहिंदे हो भी मैं भुखे रह के बंदगी करां ते अपनी आ माला फड़ लै, भावे है भी सतगुरु जी भुखे रह के ते बंदगी नहीं हो सकती। यह माला अपनी लीजै हो मांगो संतन रेना। सतगुरु मैं मंगदा की हाँ, एक तो मंगदा भी जेड़े तेरे प्यार वाले तेरी बंदगी वाले वो जेड़े चुड़े हुए ने उन्हां दे चरणों की धूड़ मैनू मिल जाए। हो मांगो संतन रेना, संतन रेना दा पावे रब दे प्यारियां दे चरणों की धूड़, पाव उन्हां दी संगत। हो मांगो संतन रेना मैं ना ही किसी का देना। तो सतगुरु जी दूजा ये कि मेरे मालक जी मैं इस शरीर के अंदर रह के जिहड़ियां चीज़ां तेरे कोलो मंग रहा इस करके मंग रहा क्योंकि मैं किसी नूं किसी का मैं मुहताज ना बना, मैं किसी नूं देना ना होवे। ध्यान देना, जो किसी नूं कोई चीज़ देनी होंदी है ना, मान लो बंदा किसी कोलो कोई चीज़ उधारी लै लैंदा है तो उन्हूं कहिंदा इन्ने समय बाद मोड़ देंगा, वो रोज़ इस चीज़ बारे सोचेगा, रोज़ सोचेगा भाई फलाने तरीक नूं फलाने दिन नूं मैं आ चीज़ उन्हूं वापस करनी है कि इन्ना मेरे को जुड़ गया। बाबा रवि कबीर साहब जी कहिंदे ने, रब जी मैं किसी के दर का जाचक बना मंगता बना ये मैनू चंगा नहीं लगता क्योंकि जे किसी नूं देना होएगा तो उनकी देनदारी का सवाल मेरे मन में हर वेले चलेगा। सतगुरु मैं किसी का देनदार ना बना, ते रब कोलो मंगिया की? कहिंदे ने, सतगुरु जी मैनू तेरे दर तो की चाहिए? दोए सिर मांगू चूना। सतगुरु दो सिर मैनू तेरे चरणा विचों आटा चाहिए, दोए सिर मांगू चूना पाओ घिओ संघ लूना, अध सिर मांगो दाले मुको दोनों वक्त जीवाले। बाबा कबीर साहब जी कहिंदे ने, सतगुरा मेरी जरूरत है सारे दिन की, मैनू इन्नी कु चाहिए है। ध्यान देना, एक होंदा है बंदे कोलो बहुत कुछ है, एक वासना दे अधीन मंगना होंदा है ते एक कामना दे अधीन मंगना होंदा है। दो तरह की मंग है सात संगत। कामना दे अधीन बाबा कबीर साहब जी मंग रहे ने, कहिंदे ने सतगुरु इन्ना कु मिले भी मेरा दिन सौखा जिहा लंघ जाए, सवेर होएगी तेरे दर दे जाचक हाँ, फिर कोई ना कोई वसीला बन जाएगा, फिर कोई ना कोई वसीले दे नाल सतगुरु जी चीज़ां जुड़ जाणगियां। मेरे मालक जी मैनू इन्ना कु दे जाई, इन्ना कु देण दा मतलब इह नहीं है भी बाबा कबीर साहब जी वेले बैठे ते मंगदे पए ने, उह उद्दम कर रहे ने। आपां बाबा कबीर साहब जी की बाणी पढ़ने आ ते बाबा कबीर साहब जी का जिक्र आउंदा है भी उहनां दा कर्म की है, खड्डी ते धागा बुणदे ने, कपड़े बुणदे ने, चादरां बुणदे ने। बाबा कबीर साहब जी का कर्म है जुलाए ने, पर सतगुरु जी कहिंदे ने, मेरे मालक जी आ मेरी मंग है, मैनू इस तों ज़्यादा नहीं चाहिए। एक शब्द आंदा है बाणी दे अंदर, बाबा कबीर साहब जी की माँ कहती है, मुस मुस रोवे कबीर की माई,
ਇਹ ਬਾਰਕ ਕੈਸੇ ਜੀਵੋ ਰਗੁਰਾਈ, ਤਨਨਾ ਬੁਨਨਾ ਸਭ ਤਜਿਓ ਹੈ ਕਬੀਰ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਲਿਖ ਲਿਹੋ ਸਰੀਰ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਮਾਂ ਉਹ ਹੋ ਕੇ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਰੋਂਦੀ ਅਤੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ, ਰੱਬਾ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਚਾਰ ਪੈਸੇ ਜੋੜ ਲਈਏ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਕਿਹੋ ਪੁੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਤੂੰ ਕਬੀਰ, ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਤੂੰ, ਇਹ ਸਤ ਮਾਲਕ ਮੇਰੇ ਇੰਨੀ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਇਹਨੂੰ ਦਿਨ 'ਚ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਉੰਨੀ ਕੁ ਕਮਾ ਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪ ਤੇਰੀ ਬੰਦਗੀ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ, ਇਹ ਉਨਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤਨਨਾ ਬੁਨਨਾ ਸਭ ਤਜਿਓ ਹੈ ਕਬੀਰ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਲਿਖ ਲਿਹੋ ਸਰੀਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਹ ਜਦੋਂ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵਾਲਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਮਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਜੋੜੇਗਾ ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਰੱਬ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੀ ਇੰਨਾ ਕੁ ਵੀ ਮੇਰਾ ਦਿਨ ਚੰਗਾ ਲੰਘ ਜਾਏ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਰੀਰ ਤੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਫਿਰ ਚਾਰ ਪੈਸੇ ਜੁੜ ਜਾਣਗੇ, ਫਿਰ ਦਾਲ ਆਟਾ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਜੀ ਇੰਨਾ ਕੁ ਤਰਸ ਕਰੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਮੰਗਤਾ ਨਾ ਬਣਨਾ ਪਵੇ। ਭਗਤ ਦੀ ਇਹ ਆਰਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਭਗਤ ਦੀ ਇਹ ਅਰਜੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਭਗਤ ਦੀ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਚਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਚਲੋ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੱਥ ਅੱਡ ਲਵਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਗਤ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਜੀ ਮੈਂ ਨਾ ਹੀ